एम आई ऑडिबल सर? आवाज आ रही है? जी जी, सभी लोग डॉक्टर रत्नाकर चौबे जी की आईडी पर पिन अप करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी जी चौबे। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत बीना शाखा केंद्र वर्ग के अधिकारी वृंद, समिति के पदाधिकारीगण, आयोजन मंडल, वर्ग के प्रशिक्षकगण, प्रतिभागियों एवं इस कार्यक्रम के संचालक महोदय, प्रकृति माता भारत माता की पावन सन्निधि में मैं रत्नाकर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद सहित आभार पूर्वक अपना उद्बोधन प्रस्तुत करूं। इससे पहले एक सूचना देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा पर्व है। पूरे भारत में एक कैंपेन के तौर पर, एक अभियान के तौर पर इसे किया जा रहा है, उसकी चर्चा किए बिना मैं अगर अपना उद्बोधन शुरू करता हूं तो मुझे लगेगा कि एक बहुत बड़ी चीज से हम लोग वंचित रह जाएंगे। यद्यपि मैं जितने प्रतिभागियों को देख रहा हूं, शायद इसमें सभी लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं ये बात रखूंगा अपनी तरफ से थोड़ा सा, कि आज प्रकृति वंदन का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है उसमें अवश्य हिस्सा लें, उसमें सहभाग अवश्य करें। आपके घर के आसपास अगर पेड़ है तो ठीक है, पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई गमला होगा, उस गमले में तुलसी का पेड़ होगा, पौधा होगा, उसको ही सही, लेकिन अपने परिवार के सहित कम से कम धूप दीप चंदा नक्षत्र से उसका पूजन करें, उसको आरती दिखाएं। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मित्रों, कभी हमें इस बात को सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि अन्न जल हवा पानी ये सब हमें प्रकृति यूं ही देती है, हम मांगते नहीं है उससे। शुद्ध वायु, ऑक्सीजन जीवन के लिए, तो कम से कम हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसा करें कि इस प्रकृति को यह सब देने के योग्य बनाए रखने में अपना सहयोग करें। तो आज मित्रों 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप अपने घर में गमले का या पेड़ का पूजन जरूर करें। इसके बाद अपने विषय पर आता हूं। गणेश जी की हम सभी कार्यकर्ताओं को अंतः प्रेरणा। मित्रों, अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया कहना चाहिए, अलग अलग जहां भी भारतीय हैं सब किसी न किसी रूप में गणेश जी की पूजा में संलग्न है। इसके इतिहास पर हमें थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहिए। ये गणेश उत्सव मित्रों हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विशेष रूप में ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से महाराष्ट्र में मनाया जाता था, पर आज ये सब जगह मनाया जाता है। इस साल कोरोना महामारी के कारण यह अपने कुछ रूप में छोटा हो गया है, क्योंकि सबको लॉकडाउन के नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। मित्रों, इसके इतिहास के बारे में एक बात बताना जरूरी है मुझे कि ये गणेश उत्सव शुरू कब हुआ। इस गणेश उत्सव के बारे में इतिहास में जो वर्णन मिलता है वो है कि महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं के द्वारा ये प्रथा प्रारंभ की गई थी। बाद में माता जीजाबाई, वीर शिवाजी ने इसको अपनाया और पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में वे जाया आया करते थे, अपने घर पर भी गणेश जी की पूजा और उपासना किया करते थे।
लेकिन इस उत्सव ने धार्मिकता से आगे बढ़कर के राष्ट्रीयता का स्वरूप प्राप्त किया, राष्ट्रीय एकात्मकता का स्वरूप प्राप्त किया बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के समय से। हमारा देश अंग्रेजों की दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, भारत माता पराधीनता की नींद में सोई हुई थी, लोग भारत माता पर हो रहे अत्याचार से कराह रहे थे, लोगों के मन में था पराधीन सपने सुख नाहीं, भारत माता के पैरों की जंजीर लोगों से देखी नहीं जाती थी, वे कहते थे गुलाम रहकर जीने से अच्छा है स्वतंत्र होकर मर जाना, और परिस्थिति बहुत भयावह थी। अंग्रेजों का प्रतिकार करने के लिए, अंग्रेजों के प्रतिकार के लिए एकत्रित होने के लिए कहीं अनुमति नहीं थी। ऐसे में लोकमान्य तिलक के विचार में एक बात आई कि जो गणेश उत्सव अभी हमारे धार्मिक आयोजनों पर उतना प्रतिबंध नहीं है तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें। ऐसे में तिलक जी ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और पूरे समाज को गणेश उत्सव के नाम पर एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया, और वहां से उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों को, देश से संबंधित बातों को विस्तारित करने का प्रयास शुरू किया। तिलक ने इस महोत्सव में जितना भी कार्य किया उससे ब्रिटिश साम्राज्य के नींव हिल गई मित्रों, और आप तिलक के द्वारा रोपा गया, लगाया गया यह जो छोटा सा उस समय का राष्ट्रीय वृक्ष था, आज बहुत विराट बस वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। यद्यपि इसके बाद महाराष्ट्र के और भी महापुरुषों ने इसको प्रमुखता से अपनाया, जैसे कि वीर सावरकर जी हुए, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, ये सब गणपति के उत्सव में अपना उद्बोधन देते हुए कई बार पकड़े गए। अंग्रेजों को शक हुआ कि ये धार्मिकता के नाम पर, गणेश पूजन के नाम पर राष्ट्रीयता, देश में गुलामी और आजादी की बातें करते हैं ये लोग, और लोगों को अंग्रेजी दास्ता से परिचित करा करके ये कहना चाहते हैं कि हमें अंग्रेजों के इस जुए को उतार फेंकना है, उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार हो जाओ। तो इस बात की भनक लग करके जब अंग्रेजों तक ये बात पहुंचती थी तो किसी न किसी रूप में अंग्रेज उनको प्रताड़ित किया करते थे, ऐसा भी वर्णन कई जगह मिलता है। मित्रों, गणेश जी की ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के अनुसार। अब गणेश जी की ही पूजा क्यों, तो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, आप सभी लगभग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि गणेश जी की अग्र पूजा, सर्वश्रेष्ठता, प्रथम पूजनीयता क्यों हुई समाज में। तो मित्रों, एक बार की बात है कि गणेश और उनके भाई कार्तिकेय, इन दोनों में आपस में एक बहस हो गई कि बुद्धिमान मैं हूं। गणेश जी ने कहा मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, कार्तिकेय जी कहने लगे मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब इसका निर्णय कैसे हो, तो निर्णय होने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास गए। उनके माता पिता यानी कि शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती के पास गए तो उनसे पूछा कि आप बताइए हम लोगों में ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा लगा के आएगा उसको मैं बुद्धिमान मानूंगा। तो दोनों ने कहा ठीक है। अब तो कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी मोर पर सवार हुए और फड़फड़ फड़फड़ करके उड़े और परिक्रमा करने में लग गए। फिर गणेश जी ने सोचा कि अरे बाप रे, मोर की तुलना में भाई मेरा वाहन तो चूहा है, वो तो हारना ही तय है, उसका विजय तो होना मुश्किल है। लेकिन वे बुद्धिमान थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता के 7 बार चक्कर लगाए अपने मूसक पर सवार होकर के, और 7 बार चक्कर लगा के खड़े हो गए। काफी देर के बाद कार्तिकेय जी आए, देखा तो गणेश जी वहां पहले से ही खड़े थे। जब बात पूछी गई तो कार्तिकेय ने कहा कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए, तुम तो गए ही नहीं। शंकर जी ने पूछा कि भाई गणेश, बेटा गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अब मेरे माता पिता क्या है, मेरे माता पिता वो केवल माता पिता नहीं, माता जो है पृथ्वी है, पिता आकाश है, मेरा तो सारा संसार ही, पूरी दुनिया ही मेरे माता पिता ही है, इनसे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी संसार माता पिता से बड़ा नहीं हो सकता, कोई पृथ्वी माता पिता से ज्यादा विशाल नहीं हो सकती, इनके परिक्रमा कर लिया तो हमें और किसकी जरूरत है। बस उनकी इसी बुद्धिमत्ता, उन्हें उनके इसी बुद्धि चातुर्य को सुनकर के और शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, इतने में सभी देवता भी आ गए और सब ने गणेश जी को कहा कि वाह, आज से जब भी किसी देवी देवता की पूजा होगी तो सबसे पहले आपकी ही पूजा होगी, प्रथम पूज्य गणेश होंगे आप। तो तब से मित्रों हिंदू धर्म के प्रथम आराध्य देव गणेश जी विराजमान हो गए और उनकी पूजा के बिना कोई कार्य संपन्न ही नहीं होता। और यहां तक कि कोई कार्य के अलावा कोई भी लेखन कार्य, कोई ग्रंथ लेखन, मतलब कुछ भी काम हो, वो गणेश जी की उपासना पूजा पहले ही की जाएगी, उनका स्मरण तो पहले ही होगा। अब गणेश जी के उपासना, उनकी पूजा से, उनके इस उत्सव से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अंतः प्रेरणा के रूप में हमें लेनी चाहिए। गणेश जी को देखें तो उनका शरीर, उनका आकार प्रकार, उनका वाहन और उनके द्वारा ग्रहण की गई चीजें क्या है और उनकी समाज के लिए क्या प्रेरणा है, लोगों के लिए क्या प्रेरणा है। तो आप देखते हैं कि छोटी आंख, चौड़ा माथा, लंबी सूंड, रस्सी, एक दांत, बड़ा पेट, चूहे की सवारी, लड्डू, कुल्हाड़ी, छोटा मुंह और बड़े कान, ये उनका आकार प्रकार है। इन सबको ग्रहण करने के पीछे भी गणेश जी का अपना उद्देश्य था, लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि जो भगवान होते हैं या जो महापुरुष होते हैं वो कोई भी काम यूं नहीं करते, वे कोई भी काम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, नैतिकता के लिए, मानवता के लिए, शिक्षा के लिए या संस्कार के लिए करते हैं। गणेश जी ने भी यही किया, जो भी चीजें उन्होंने स्वीकार की या देवी देवताओं ने जो भी चीजें उन्हें अर्पित की, जिनसे उनकी पहचान सुनिश्चित हुई, जिनसे उनकी सर्वांगता सिद्ध हुई, उस सब के पीछे एक कारण सिद्ध किया गया। मित्रों उनका जो देख रहे हैं आप चौड़ा माथा, सबसे पहले उनका माथा बड़ा विशाल है, जिसे कहते हैं उनकी खोपड़ी बड़ी है। आज सामान्य मानव को कह जाते हैं उसकी खोपड़ी तो बहुत बड़ी है, यानी वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है ये, यानी हमें अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को हमेशा विकसित रखना चाहिए, चौड़ा रखने का प्रयास करना चाहिए। उनका चौड़ा माथा यही प्रेरणा देता है कि हमें बुद्धिमत्ता का प्रयास करना चाहिए, बुद्धिमत्ता की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। लंबी सूंड आपने देखा होगा, कभी कभी सीरियल में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, सूंड है पर सूंड स्थिर नहीं रहती, सूंड भी हिलती रहती है उनकी, उनकी हिलती सूंड जो है वो कार्य कुशलता की प्रेरणा देती है कि हमेशा जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, इस कार्य कुशलता के साथ काम करने की प्रेरणा उनकी लंबी सूंड से मिलती है। रस्सी, उनके एक हाथ में रस्सी होती है, रस्सी जो है सदैव अनुशासन की प्रेरणा देती है कि अपनी
ज्ञान इंद्रियों को, अपने कर्म इंद्रियों को हमेशा रस्सी से बांध कर रखो, अपनी बुद्धि विवेक से बांध कर रखो। मित्रों एक बात है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आंख मिली है देखने के लिए, कान मिला है सुनने के लिए, मुंह मिला है खाने के लिए, कुछ भी खाओ कुछ भी सुनो कुछ भी करो, इसी तरह जितनी भी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं उनसे सब कुछ करो। लेकिन मेरा कहना है कि इन सब के ऊपर एक बुद्धि मिली है, हमें बुद्धि से सोचना चाहिए कि आंख से क्या देखना, कान से क्या सुनना, मुंह से क्या बोलना। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन रहे, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कदापि नहीं। इसके बाद एक दांत है उनका, तो एक दांत आप जानते ही होंगे, अलग अलग इसके आख्यान मिलते हैं, कहीं मिलता है शुक्राचार्य से युद्ध में, कहीं मिलता है परशुराम जी के युद्ध में। उनका एक दांत खराब हो गया था तो उन्होंने उस एक दांत को निकाल ही दिया, हटा ही दिया और एक दांत रखा। इसका मतलब है कि जो अनुपयोगी चीज है उसको हटा देना चाहिए और उपयोगी चीज को ही रखना चाहिए, भले ही वो एक हो।